रायसेन में वन विभाग को सफलता हाथ लगी है, जहां 30 दिन की तलाश के बाद आखिरकार रॉयल टाइगर को पकड़ने में वन विभाग को सफलता मिली। 140 लोगों की टीम ने कड़ी मेहनत कर रॉयल टाइगर को पकड़ा। रॉयल टाइगर को पकड़ने के लिए 25 लाख रुपए खर्च किए गए। साथ ही कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व से 5 हाथियों के समूह को बुलाया गया था, जिसके बाद उस टाइगर को पकड़ा जा सका। आपको बता दें कि बीते एक महीने पहले तेंदुपत्ता तोड़ने गए मनीराम जाटव का रॉयल टाइगर ने शिकार किया था और इस टाइगर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा था। पिछले 30 दिन से राजीव गुरुजी का पूरा करीब 16 स्टाफ और साथ में कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, वन विहार के 300 टाइगर रिजर्व और कुछ एनजीओ जैसे WCG, WWF, किसान फाउंडेशन, उनके सहयोग से तेज से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें आज एक नरबाग का रेस्क्यू सफल रेस्क्यू किया गया है, जिसमें कोई बिना किसी के आघात हुए, बिना टाइगर को भी नुकसान हुए, उसे रेस्क्यू कर लिया गया। और यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NGTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।